को समझना है क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का टॉपिक है संकुलन, या संकुलन को बोला जाता है सुसंकुलित संरचना। इसका इंग्लिश होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, CPS, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको आज हम लोग को समझना है। तो मान लीजिए आपको 10 बॉल दिए जाते हैं, 10 बॉल दिए जाते हैं और उसको आप किस तरह से सजा सकते हैं। सबसे पहला आप इस तरह से इसको सजा देंगे एक लाइन में, 10 बॉल को आप एक लाइन में सजा देंगे, इस तरह से 10 बॉल को एक लाइन में सजा देंगे। या दूसरा तरीका आप 5-5 करके सजा देंगे, 5 ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर और 5 आप नीचे सजा सकते हैं, 5 नीचे हो जाएगा। या आप तीसरा सजा सकते हैं, 3 बॉल आगे, 3 बॉल पाछे भी आप सजा सकते हैं, 3 बॉल पाछे और इस तरह से आप सजा सकते हैं इसको। ये आगे पाछे, यानी आगे पाछे करेंगे, इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपने तीनों ले लिया, इसमें सिर्फ आपने लंबाई दिया, इसमें आपने लंबाई भी दिया चौड़ाई भी दिया और इसमें आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिए। इस तरह से जो ये एक बीमीय हो जाता है, ये 2D हो जाता है और ये 3D हो जाता है। यही है संकुलन, कि किसी भी ठोस का अवयवीकरण किस तरह से सजा हुआ रहता है, किस तरह से सजा हुआ रहता है। तो किसी भी ठोस का अवयवीकरण किस तरह से सजा हुआ, सबसे पहला तो सभी कण जो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, सभी कण एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और उसके बाद सभी कणों के बीच देखिए कुछ ना कुछ जगह बच रहा है, कुछ ना कुछ खाली जगह बच रहा है और ऐसी संरचना संकुलन कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी संकुलन की, क्रिस्टलीय ठोस का ऐसा व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस का ऐसा व्यवस्था जिसमें सभी अवयवीकरण एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और उनके बीच कुछ ना कुछ थोड़ा खाली जगह बचता है, तो ऐसी संरचना संकुलित संरचना या संकुलन कहलाती है। ये हो जाएगा संकुलन। आप देखिए संकुलन कितने तरह के होते हैं, तो पहला होता है एक बीमीय, दूसरा होता है द्विबीमीय, तीसरा होता है त्रिबीमीय। तो सबसे पहले समझते हैं एक बीमीय। तो एक बीमीय संकुलन में जो है सभी अवयवीकरण एक पंक्ति में रहते हैं, एक पंक्ति में। लेकिन द्विबीमीय में क्या रहता है कि एक पंक्ति जो है दूसरे पंक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है द्विबीमीय में। और त्रिबीमीय में क्या होता है कि एक पंक्ति जो है दूसरे पंक्ति से भी जुड़ा रहता है और जो है अंदर तक भी जुड़ा रहता है, यानी कि बाहर नीचे भी जुड़ा हुआ और अंदर भी जुड़ा हुआ है, यानी अंदर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है जिसमें। जैसे ये ब्लैक बोर्ड देखिए, इसका अगला सतह है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कण है। तो इस तरह से जो ये हो जाता है कि चार गेंद अगर 10 गेंद को आप सजाएं तो इस तरह से हो जाता है त्रिबीमीय, जिसमें आप लंबाई भी देते हैं चौड़ाई भी देते हैं ऊंचाई भी देते हैं, इस तरह से हो जाता है। अब एक बीमीय, तो एक बीमीय में देखिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर या इसको बोला जाता है समन्वयन संख्या। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या क्या होता है कि कितने कण से मिलकर एक संरचना बनता है, जिसमें देखिए दो कण से मिलकर बन रहा है, यानी दो दो कण जब तक नहीं जुटेगा तब तक संरचना नहीं बनेगा, इसलिए इसमें इसका इसमें दो कण का समन्वय होता है, यानी दो कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है वो हो जाता है 2। यानी 1D संकुलन का जो एक बीमीय संकुलन का समन्वयन संख्या होता है CN वो 2 होता है। और 2D में क्या होता है, 2D जो है वो दो तरह से होते हैं, 2D जो है वो दो तरह से होते हैं 2D, और 2D दो तरह से कैसे होते हैं, ये आप चार बॉल को इस तरह से भी रख सकते हैं, यानी पहला तो आप स्क्वायर करके चार बॉल को एक साथ करके बना सकते हैं, या आप 6 बॉल को एक साथ लेकर के बना सकते हैं 6 बॉल। तो इसलिए ये जो है 6 बॉल को एक साथ लेके बना सकते हैं, यानी पहला हो जाता है 2D स्क्वायर और दूसरा हो जाता है 2D स्क्वायर और दूसरा जो होता है 2D में वो होता है 2D हेक्सागोनल। तो पहला हो जाता है 2D स्क्वायर संकुलन और दूसरा हो जाता है 2D हेक्सागोनल संकुलन। तो स्क्वायर में चार कोण होते हैं, चार कोना होता है और एक कोना पर एक कण, तो एक कोना पर एक कण यानी चार कण से मिलकर ये 2D स्क्वायर बनता है, यानी 2D स्क्वायर का CN हो जाता है वो हो जाता है 4। यानी समन्वयन संख्या 2D स्क्वायर को हो जाता है 4 और 2D हेक्सागोनल यानी 6, हेक्सा यानी 6, तो 6 कण से मिलकर बना होता है हेक्सागोनल, इसलिए इसका 2D हेक्सागोनल का समन्वयन संख्या होता है वो होता है 6। अब 3D में जो है 3D भी तीन तरह से होता है, तो 3D भी तीन तरह से होता है, एक उसमें भी स्क्वायर रहता है, उसमें भी हेक्सागोनल रहता है, उसमें भी हेक्सागोनल रहता है और एक तीसरा आ जाता है फेस, यानी 3D स्क्वायर 3D हेक्सागोनल और 3D फेस संकुलन। इस तरह से जो है इसका आप 3D काम जो है बॉयड के साथ जो है अगले टॉपिक में डिटेल के साथ जानेंगे, तब तक के लिए आप जो है संकुलन को माइंड में फिट कर लीजिए और इसके पहले जो है एक बीमीय और द्विबीमीय को अच्छी तरह से फिक्स कर लीजिए। और त्रिबीमीय संकुलन के कारण ही जो पूरा संकुलन बनता है, त्रिबीमीय के कारण ही जो पूरा संकुलन बनता है। और रियल में जो भी क्रिस्टल होते हैं वो त्रिबीमीय होती है, ना तो 2D होते हैं ना तो 3D होते हैं। तो रियल जो क्रिस्टल है, वास्तविक क्रिस्टल जो है वो त्रिबीमीय ही होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है।